Hello guys, how are you? Thanks for watching my video. Today I am going to discuss sentences starting with let. Means how to convert sentences into indirect speech. जो let से start होते हैं उनको हम कैसे indirect speech में change करें. Let is used to make a proposal. अब कैसे proposal हम हिंदी में कहते हैं ना, आओ खेलने जाएं, आओ ये काम करें. ऐसी जगह हम let का use करते हैं. और second कहाँ पर use होता है? To allow. You see the first sentence. He said to me, "Let us go for boating." अब हिंदी में इसको हम क्या कहें? कि भी चलो बोटिंग के लिए चलते हैं. दिस इज डायरेक्ट स्पीच. हाउ वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट? ही प्रपोज टू मी. हियर सेट टू को हम कन्वर्ट कर देंगे आइदर प्रपोज्ड और सजेस्टेड. पास्ट टेंस. नाउ लेट्स को रिमूव करके हमें क्या करना है? आइदर शुड और माइट. इस सेंस में हमें चेंज करना है. बहुत कोई फिक्स रूल नहीं है, बट वर्डिंग्स का चेंज इस तरीके से होगा. लेट अस गो फॉर बोटिंग. ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो फॉर बोटिंग. प्रपोजल आ गया ना, यहाँ पे शुड का यूज कर दिया हमें. तो वी हैव टू थिंक, हमें मीनिंग निकालना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या बात कही गई है. सेकेंड सेंटेंस. द ऑफिसर सेड टू द पीएन, लेट द पीपल कम इन. कि लोगों को अंदर आने दो. तो व्हाट सेंस? अलाउ. सो ऑफिसर सजेस्टेड टू द पीएन दैट. अप टू हियर दैट कंजंक्शन सजेस्टेड टू. पीपल माइट बी अलाउड टू कम इन. अलाउड कहाँ से आ गया? ये हमने सेंस निकाली. इसका मीनिंग यही है ना कि लोगों को अंदर आने दो. इसका भी मीनिंग यही है कि पीपल माइट बी अलाउड टू कम इन, कि लोगों को परमिशन दी जा सकती है अंदर आने के लिए. तो ऐसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. सम मोर सेंटेंसेस. मदर सेड टू अदिति, लेट मी अरेंज योर हेयर. इन प्रीवियस वीडियोज आई हैव रिपीटेड अगेन एंड अगेन कि पर्संस will be changed accordingly. जैसे हमने बताया है वैसे ही चेंज होंगे. Now mother suggested to Aditi that. यहाँ तक ठीक है. Me here first person. So according to mother, she might be allowed to arrange her hair. I suggested to my father to let them test the battery. तो यही परमिशन की अलाउ की सेंस है यहाँ भी. तो लेट का हम लेट भी रहने देते हैं. तो ये यहाँ पे हमने ये यूज कर दिया, तो इधर हमने लेट को इन्फिनेटिव बना दिया. शुभंकर सेड टू मी, लेट द चिल्ड्रन प्ले एज दे हैव डन देयर होमवर्क. इन दिस सेंटेंस देर आर टू क्लॉजेस. Let the children play. One clause. As. यहां से आपकी दूसरी clause start है. As they have done their homework. Shubhankar suggested to me that the children might be allowed to play. यहां तक तो हो गया आपका. Now next clause. As they, it's okay, have present perfect. तो पास्ट परफेक्ट में एज दे हैव डन देयर होमवर्क. इफ देयर आर टू क्लॉजेस टेंस विल बी चेंज्ड. इफ देयर आर थ्री और फोर इन ऑल क्लॉजेस टेंस विल बी चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. अब सिंगल सेंटेंसेस तो बेसिक्स चीजें हैं ना, जो लर्निंग के लिए फर्स्ट स्टेज पर बताई जाती हैं. अब जब आप हायर क्लासेस में और एडवांस्ड लैंग्वेज को आप यूज करेंगे तो देर मे बी मैनी क्लॉजेज और आपको उसी तरीके से पास्ट टेंस में चेंज करना है.
बच्चे जनरली शिकायत करते हैं कि हमें सेंटेंस बनाना नहीं आते हैं। अब सेंटेंस बनाना बच्चे मदर टंग में तो इजी होता है। बाय द टाइम ए चाइल्ड गोज टू स्कूल इट हैज फेयर नॉलेज ऑफ मदर लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज की नॉलेज होती है। बट जब सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज की यानी कि जो लैंग्वेज हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है उसको हमें सीखना पड़ता है। नरेशन और एक्टिव पैसिव कनेक्टर्स ये सब चीज़ें हमें लैंग्वेज को सिखाती हैं। हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हमारा सेंटेंस ऐसे बनना चाहिए। सभी टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करें। नाउ नेक्स्ट दैट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? In an exclamatory sentence, strong emotions are expressed. Emotion can be of joy, of sorrow, of approval, of happiness, of surprise. It can be any emotion. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक तो मैं कहूँ फूल बहुत सुंदर है, एक मैं कहूँ वाह कितना सुंदर फूल है, तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को इंडिकेट करता है। तो जो वाह करके या व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ टू चेंज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच? सिंपल, फर्स्ट कनेक्टर इज दैट। हम दैट का यूज करेंगे कनेक्टर फर्स्ट थिंग। सेकंड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपको डिक्लेरेटिव और यू कैन से असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए थे ना हमने, असर्टिव में चेंज किए थे। दो तो चीजें ये आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड, सेड और सेड टू ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। Whether the sentence expresses surprise, joy, sorrow, contempt, approval, हमें उसको देखकर ये change करना पड़ेगा। We use certain words exclamatory sentence में। For example, in the first sentence, what a beautiful flower it is. So हमने what का use किया। अब how I have changed into indirect speech, you note down. She exclaimed with joy. ये आपको ध्यान में रखना है। Said or said to can be replaced with word exclaimed. Exclaimed से हम replace कर सकते हैं। अब चूंकि ये sense है कि flower सुंदर है, ये surprise है और can be joy also. She exclaimed with joy that the flower was very beautiful. Second sentence, the old man said, alas, he is dead. Alas is used to express sorrow. जब हमें कोई दुख होता है तब हम alas word use करते हैं। So it's easy for us. The old man exclaimed with sorrow. As usual, he, third person, कोई change नहीं, is has been replaced by was. My friend said to me, hello, where are you going? Now my friend greeted me. जब हम hello, hi करते हैं तो उसको किससे replace कर देते हैं, greet से, greeted me. अब now next part is interrogative part and asked where I was going. सेम तरीके से पर्सन और टेंस चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे सेड पू द फूड वाज नॉसिएटिंग। अब पू कहां पर यूज किया जाता है? कंटेम्प्ट जिसको हम कहते हैं, नॉसिएटिंग बैड टेस्ट, वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, उस फूड को हम नॉसिएटिंग कहेंगे। They exclaimed with contempt. अब यहां sense disliking की है, तो
तो एक्सक्लेम्ड के साथ हमने कंटेम्प्ट यूज कर दिया है. दैट फूड वाज, अब इसको तो चेंज करने की नीड ही नहीं है. सो फूड वाज नोसिएटिंग. द टीचर सेड टू द बॉयज गुड बाय, आई शैल सी यू ऑन मंडे. द टीचर बेड द बॉयज गुड बाय. अब आप ये देखेंगे, हियर वी यूज्ड ग्रीटेड. जब आप मिलते हैं कि जैसे हम नमस्ते करते हैं तो ग्रीट, और जब हम कहते हैं, जब हम बाय करते हैं तो बिड का यूज, और बिड की सेकेंड फॉर्म बेड. द टीचर बेड द बॉयज गुड बाय एंड सेड. अब आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमने आस का यूज किया, हियर केवल सेड किया. आई अकॉर्डिंग टू द टीचर, शैल को वुड में चेंज करेंगे, ही वुड सी देम ऑन मंडे. सम एक्सप्रेशंस आर देयर, आई गिव यू द लिस्ट. एक्सक्लेम के साथ विच वर्ड शुड बी यूज, इट विल बिकम वेरी इजी. फॉर एग्जाम्पल, हो ह्यूरे हा, ये थ्री एक्सप्रेशंस क्या एक्सप्रेस करते हैं? जॉय, एडमिरेशन, ट्राइम्फ. जब जीत होती ना, मैच जीतते हैं, ह्यूरे वी हैव वन द मैच. व्हाट, ओ एक्सेट्रा एक्सप्रेस सरप्राइज, और जॉय भी कह सकते हैं. अलेस एक्सप्रेस ग्रीफ, सोरो. ब्रेवो एक्सेट्रा एक्सप्रेस अप्रूवल. पू expresses contempt. We wish good morning, good evening or good night. जब हम मिलते हैं तो wish करते हैं या greet करते हैं. But if welcome, farewell, goodbye, तो हम bid का use करेंगे. अब आज मैं आपको home task भी देना चाहूँगी. So note it down. Home task for you. These are four sentences. And you have to change these sentences into indirect speech. Okay? I hope you enjoyed the video. अगर आप first time है channel पर, तो please subscribe the channel, like the video and share with your friend, और friends के साथ share करें. Okay? Thank you.